जी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप था गांधी जी के साथ। कृष्ण जी ना होते तो भगवद गीता ना होती, भगवद गीता ना होती तो गांधी गांधी ना होते। और गांधी जी का जो करिश्मा था वो सिर्फ उनके तक ही सीमित नहीं रहा। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जो जो हम मेजर लीडर्स की बात करते हैं, वेदर इट इज़ जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन स्वराजिस के सी आर दास वगैरह, ये सब को गांधी जी ने ही कहीं ना कहीं पे रियर किया था, एज अ लीडर डेवलप किया था। असली लीडर की पहचान वही होती है कि वो फॉलोअर्स ना क्रिएट करे, वो लीडर्स क्रिएट करे। तो भगवद गीता का इम्पैक्ट गांधी जी के ऊपर था, वो खुद तो लीडर बने, वही इम्पैक्ट आगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स तक भी पहुँचा गया। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपटिल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेने के बाद अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल को ब्रॉडली एनालाइज करें तो तीन डिफरेंट ट्रेंड्स देखने को मिल रहे थे उस टाइम पर। पहला ट्रेंड था एज यूजुअल जो गांधी जी कहते थे कि कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेकेंड ट्रेंड था सोशलिज्म, आइडिया ऑफ सोशलिज्म हैड पेनिट्रेटेड इनटू द माइंड्स ऑफ इंडियंस, जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल थी जवाहरलाल नेहरू, इवन सुभाष चंद्र बोस, सीपीआई पार्टी भी हम फॉर्म होते हुए देखेंगे उस टाइम पे, एग्रेरियन प्रोग्राम्स को आते हुए देखेंगे। थर्ड था कॉम्यूनल एंगल, कॉम्यूनलिज्म उस टाइम पे अपना अगली हेड जिसको हम बोलते हैं कि रेस कर रहा था कंस्ट्रक्टिवर्स। कॉम्यूनलिज्म उस टाइम पे बढ़ रहा था। पाकिस्तान की डिमांड 1930 में शुरू हुई जब पोइट इकबाल ने कहा कि मुस्लिम्स एक सेपरेट नेशन है, उनको एक सेपरेट स्टेट उनके लिए होनी चाहिए। फिर 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान टर्म को कॉइन किया और हम आगे चल के देखेंगे लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग के 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड करी। 1943 में पाकिस्तान डे भी उन्होंने सेलिब्रेट किया था। 26 जनवरी 1930 को हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, उसी तरीके से मुस्लिम लीग ने गोइंग फॉरवर्ड 1943 में पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया था। तो ये तीन ट्रेंड्स उस टाइम पे ब्रॉडली फ्रीडम स्ट्रगल में इमर्ज हो रहे थे और गांधी जी को उस टाइम पे लगता है कि आई एम आउट ऑफ ट्यून विद ऑल दीज थ्री। कंस्ट्रक्टिव वर्क को इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी और बाकी दोनों के प्रति गांधी जी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। कॉम्युनलिज्म भी अनअबेटेड था इवन डिस्पाइट एफर्ट्स। क्लियर? तो इस टाइम पे गांधी जी डिसाइड करते हैं टू क्विट पॉलिटिक्स एंड ही सेड कि मैं पॉलिटिक्स को क्विट करके आई विल फोकस ऑन हरिजन वर्क, आई विल फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव वर्क, जिसमें मैं अनटचेबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश करूंगा, हिंदू मुस्लिम एमिटी को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, विलेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। सो एज टू से ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस मेंबरशिप ऑन 1st October 1934। हाउ डिड ही रिजाइन? कोई सेपरेट रिजाइन लेटर लिख के दिया उन्होंने? नहीं, कांग्रेस की एनुअल मेंबरशिप होती थी जो कि आपको सब्सक्राइब करनी पड़ती थी। गांधी जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का क्रिएट किया था 1920s में तो उसमें उस मेंबरशिप की फीस काफ़ी कम कर दी थी, 4 आने कर दी थी। तो गांधी जी ने उस मेंबरशिप को रिन्यू करने से मना कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ही हैड रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस मेंबरशिप। क्लियर? बट जो गांधी जी का इन्फ्लुएंस था वो स्टिल रहेगा। गांधी जी ने कभी पोजीशन के पीछे नहीं भागे, रादर इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने देखा कि उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू जस्ट टेक अप दैट पोजीशन, सब लोग बहुत खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। बट उन्होंने कभी पोजीशंस के लिए अपनी एस्पिरेशंस नहीं रखी, उनका सिर्फ एक ही एम था कि मैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ूँ, भगवान को पाने की तरफ आगे बढ़ूँ। सोशल रिफॉर्म भी उसका एक जरिया है। तो कांग्रेस के ऊपर उनका जो इन्फ्लुएंस था वो स्टिल बरकरार रहेगा इवन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लीडर्स उनसे गाइडेंस लेने के लिए आते थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो गांधी जी से रिलेटेड है वो होती है त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा में सेशन हुआ था वो। 1939 में अगेन सुभाष चंद्र बोस इलेक्शंस के प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़े होते हैं कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप के लिए। उस टाइम पे कांग्रेस के कुछ लीडर्स विद द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी एक और लीडर का नाम प्रपोज करते हैं। क्या था उनका नाम? वेरी गुड।
प्रतापी सीकर भैया। तो ये जो कैंडिडेट खड़े हुए थे इसमें सपोर्ट थी महात्मा गांधी जी की पूरे तरीके से, राजेंद्र प्रसाद जी की सपोर्ट थी, वल्लभ भाई पटेल जी की सपोर्ट थी, और अपोजिशन में थे सुभाष चंद्र बोस। इलेक्शंस में बिकॉज सोशलिज्म इतना बढ़ रहा था, कांग्रेस के ऊपर भी सोशलिज्म का काफ़ी ज़्यादा इम्प्रिंट था, सुभाष चंद्र बोस वॉज एबल टू विन दैट इलेक्शन। उस टाइम पे महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं कि इट इज़ मोर डिफीट ऑफ माइन, ये मेरी ज़्यादा बड़ी डिफीट है रादर देन द डिफीट ऑफ प्रतापी सीतारमैया। क्लियर? तो ये हम एक और इवेंट होते हुए देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू गांधी जी। हमारा जो क्लास का सेशन है वो पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लाइन बाय लाइन नहीं कवर करेगा, हम सिर्फ गांधी जी से रिलेटेड चीज़ों को ही कवर करेंगे। फिर होती है वर्ल्ड वॉर टू। कब वर्ल्ड वॉर टू ब्रेकअप होती है? 1939 को हम वर्ल्ड वॉर टू को ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं। और जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है वो इंडियन पार्टिसिपेशन को अपने आप ही इंश्योर करा देगी, वो कहेगी भी इंडिया इज ऑल्सो पार्टी टू द वॉर, विदाउट कंसल्टिंग कांग्रेस, विदाउट कंसल्टिंग द पार्लियामेंट, विदाउट कंसल्टिंग द मेजर लीडर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो इसके प्रोटेस्ट में जो लीडर्स थे, जो मिनिस्ट्रीज थी कांग्रेस की, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, जो मिनिस्ट्रीज थी वो रिज़ाइन कर देंगी। इसके बारे में डिटेल में यू विल रीड इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस। अब जब वॉर ब्रेकआउट हुई तो वॉर के प्रति इंडियंस के तीन हम पॉइंट ऑफ व्यू इमर्ज होते हुए देखेंगे मेजरली। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो गांधी जी का था, जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू जैसे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे था सेम था, कि इस टाइम पे ब्रिटिशर्स कमज़ोर हैं, हमें उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर टू हुई है उसका मेजर रीज़न है अडॉल्फ हिटलर, और हिटलर का क्या ऑब्जेक्टिव है? नाजिज्म को प्रमोट करना। तो गांधी जी वॉज ऑफ द बिलीव कि वर्ल्ड वॉर टू में जस्टिस इज ऑन द साइड्स ऑफ दीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज, जो सो कॉल्ड अपने आपको डेमोक्रेसीज बोल रही थी, दैट इज इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए एंड ऑल अदर्स। तो गांधी जी इन दो रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं सॉफ्ट अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहते थे कि वॉर के प्रति हमारा क्या रिएक्शन होगा। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू था गांधी जी वाला। इसी को सपोर्ट करते थे हमारे सी राजगोपालाचारी। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम पे इमर्ज होगा सुभाष चंद्र बोस का। वो सुभाष चंद्र बोस जी वॉज ऑफ द बिलीव कि ये वॉर ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी की तरफ जस्टिस है और दूसरी पार्टी की तरफ नहीं है। ही यूज़ टू से कि दोनों एक्चुअली में लड़ कॉलोनियलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज को ग्रैब कर सके। तो ऐसा नहीं है कि एक ठीक है और एक गलत है, और ये बेस्ट टाइम है हमारे लिए कि हम अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट को इंटेंसीफाई करें, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने प्रोटेस्ट को इंटेंसीफाई करें। क्लियर? थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइम पे आता है जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जस्टिस इज ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बट हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे ऑन सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या हैं? कि हमें आप पूर्ण स्वराज दीजिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हमें पूरी पार्टिसिपेशन दीजिए। तो ये एक तरीके से कांग्रेस के बीच में तीन पॉइंट ऑफ व्यू से मर्ज होते हैं। अल्टीमेटली कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू जी के पॉइंट ऑफ व्यू को अडॉप्ट करती है। तो कांग्रेस डिमांड करती है वाइसराय से उस टाइम पे कि आप बताइए कि आपकी क्या अप्रोच होगी, तो हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को, हमारे हेल्प को डिसाइड करेंगे। तो इसके रिस्पॉन्स में पहले तो लिनलिथ को स्टेटमेंट आएगी जो आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे, उसके बाद आएगी ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर आती है हमारी 8 अगस्त 1940 में। जो ऑगस्ट ऑफर आई, लिनलिथ को ही लेकर आए थे इस ऑफर को, तो उसमें ये बोला गया कि हम डोमिनियन स्टेटस आपको प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द वॉर, जब वॉर खत्म हो जाएगी तो हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। प्लस ये भी चीज़ बोली गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा, सी कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम पे फ्री इंडिया के लिए नहीं बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हो रहे थे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही होते थे सिर्फ। तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडियंस की नेचुरल भागीदारी को एक्सेप्ट करते हैं, बस इतनी सी बात बोली थी, कुछ कंक्रीट वे में नहीं बोला उन्होंने। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो डिसअपॉइंट हुए इस टाइम पे। उन्होंने कहा कि आपकी वॉर 1939 में स्टार्ट हुई,
और एक साल तक हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया आपके अगेंस्ट, और आपने हमारा हमारी जो पीसफुल आपके प्रति अप्रोच है उसको आपने रिकग्नाइज नहीं किया है। ऑगस्ट ऑफर में आपने कोई ऐसी बात नहीं करी है जिससे हमारी डिमांड सेटिस्फाई हो। हमारी डिमांड्स क्या थी कि एटलीस्ट हमें डोमिनियन स्टेटस तो अभी दे दिया जाए। क्लियर? तो इसके प्रोटेस्ट में गांधी जी क्या लॉन्च करेंगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा हिस्ट्री का स्टूडेंट इस टाइम पे बोल रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट? सॉरी, इंडिविजुअल सत्याग्रह। अभी क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं आएगी। तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च करने का डिसाइड किया। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों नहीं लॉन्च करी? करी तो थी उन्होंने, आगे चल के मासेस वर नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, ठीक है, ये दो रीजंस थे। पहला जो आपने बताया कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा है इस टाइम के देश में, अगर हम कोई बड़ी मूवमेंट को लॉन्च कर दें विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, विदाउट लोगों को पूरे तरीके से उसमें उनका माइंड को सेट करे बिना, कम्युनलिज्म और ख़राब हो सकता है। पहला ये कंसर्न था। दूसरा कंसर्न ये था कि कहीं ना कहीं पे गांधी जी की का जो एटीट्यूड था कि अगर वॉर के टाइम पे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत बड़ी मूवमेंट लॉन्च कर देंगे तो उनकी वॉर एफर्ट्स को नुकसान हो जाएगी और वॉर में हिटलर की जीत नहीं होनी चाहिए। देवर क्लियर विद दैट थिंग। तो एक छोटे लेवल पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करेगी जिसमें इंडिविजुअल्स अपने आप को रजिस्टर करेंगे विलेजेस में जाके कि इस विलेज में मैं सत्याग्रह करूँगा। वो एक विलेज में जाके बताएंगे कि इंडियंस वॉर के अगेंस्ट हैं, हम वॉर को सपोर्ट नहीं करते। फिर वो उसके बाद दूसरी विलेज में जाएंगे, फिर तीसरी विलेज में जाएंगे और अल्टीमेटली वो दिल्ली तक पहुँचेंगे जहाँ से भी वो शुरू कर सकते हैं। इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोला जाता है। तो पहले जो सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। वैसे ही होने जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाए थे फॉर सर्टेन रीजंस। तो विनोबा भावे जी 17 अक्टूबर 1940 ऑगस्ट ऑफर के जस्ट थोड़ी टाइम बाद ही पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह को परफॉर्म किया। सेकेंड थे जवाहरलाल नेहरू जी। थर्ड कौन से थे हम एमसीक्यूज के थ्रू? बिल्कुल, आपको पता तो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल 25,000 सत्याग्रही ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया 17 अक्टूबर 1942 को ही चीज स्टार्ट हुई। बट वॉर में हम लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 1940 हम ये चीज़ जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था या जापान था वो बहुत स्टार्टिंग में उन्होंने एग्रेसिव पोजीशन अपनाई हुई थी एंड देवर सक्सीडिंग रादर। ये लग रहा था कि हिटलर और जापान जीत सकता है, उनके कुछ मिसस्टेप्स हुए जिसकी वजह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो 1941 तक आते आते ब्रिटेन अपनी हर वॉर हार रहा था, हर एक छोटी बैटल को वो हार रहा था। ये लग रहा था कि कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ढाया जा सकता है, कभी भी उसकी डिफीट हो सकती है। तो टाइम आ गया दिसंबर 1941। इस टाइम पे गांधी जी को लगा कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह मैंने लॉन्च किया है उसको भी हमें वापस ले लेना चाहिए, बिकॉज वॉर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रही थी और ब्रिटेन की जो हार थी वो इमिनेंट लग रही थी। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिसंबर 1941 को वापस ले लिया गया, जो कि 1940 में लॉन्च किया गया था। और ये एक्सपेक्ट किया गया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स से कि हम इसको वापस ले रहे हैं तो अब आप हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ आगे लेके चलेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप प्रपोज करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या प्रपोज करती है इसके बाद? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विद क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स एक प्रपोजल लेकर आते हैं 22 मार्च 1942 को, जिसके तहत वो ये कहते हैं कि जिसके तहत वो ये कहेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में गवर्नमेंट है ब्रिटिश अथॉरिटीज की, उसमें हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए रेडी हैं आफ्टर द वॉर,
प्लस हम इस चीज़ को लेकर भी रेडी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वॉर के बाद वो सोली इंडियंस के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे साइमन कमीशन में सोली ब्रिटिश मेंबर्स थे, अब बोला गया कि इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा वो सिर्फ इंडियंस मिलकर ही बनाएंगे। क्लियर? तो इस के में और भी कई चीज़ें थी जो आप हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ोगे, बट इसको भी कहीं ना कहीं पर रिजेक्ट किया गया कांग्रेस लीडर्स के द्वारा। गांधी जी ने इसके लिए काफ़ी फेमस स्टेटमेंट बोली थी, क्या बोला था? इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इट्स लाइक अ क्रैशिंग बैंक जो कभी भी ढह सकती है, और आप उसके बाद हमें क्या दे रहे हो? पोस्ट डेटेड चेक कि वॉर के बाद ऐसा किया जाएगा। वो ऑगस्ट ऑफर थी और डेट नेल बोला था जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑगस्ट ऑफर को। हम तो सिर्फ गांधी जी को ही पढ़ रहे हैं इस क्लास में। तो इसके बाद इंडियन लीडर्स वर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह को भी वापस ले लिया, आपने जो हमें प्रपोजल दिया उसमें भी आप पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे हो, अभी भी आप हमें डोमिनेंस स्टेटस इमीडिएटली नहीं दे रहे हो, वॉर के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, ब्रिटेन तो हार भी सकता है और ये भी हो सकता है कि इंडिया के ऊपर जापान का कब्जा हो जाए। तो इसीलिए गांधी जी डिसाइड करेंगे और कांग्रेस लीडरशिप डिसाइड करेगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पास किया जाता है 8 अगस्त 1942 को, इसको अगस्त क्रांति भी बोल देते हैं इसीलिए हम। अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास करती है। कहाँ पे करती है? ग्वालियर टैंक में, बॉम्बे में। ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे। और इस यहाँ पे गांधी जी एक मंत्रा देंगे, क्या मंत्रा देंगे? डू और डाई, करो या मरो। और इसके तहत वो कुछ पर्टिकुलर सजेशंस भी देंगे। क्या सजेशंस देंगे वो? वो हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि सर स्टूडेंट्स के लिए देंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए देंगे, जो आर्मी में जो ब्रिटिश फोर्सेस में होंगे उनको अलग सजेशंस देंगे, हर कैटेगरी लोगों के लिए उनके अलग अलग सजेशंस देंगे। बिल्कुल ठीक है आपने बताया। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कहा कि आप रिजाइन मत कीजिए, बट आप अपनी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति को उसको एक्नॉलेज कर लीजिए पब्लिकली कि हम कांग्रेस के प्रति लॉयल हैं, बट आपको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सोल्जर्स हैं उनको बोला कि आप भी अपनी पोस्ट को मत छोड़िए, बट आप अगर कभी ऐसा मौका बने, क्योंकि हम अब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें आपको स्टेशन किया जाए अगेंस्ट इंडियंस, तो आप इंडियंस के ऊपर फायर करने से मना कर दीजिए। प्रिंसेस को कहा कि आप एक बाहर के क्राउन को अपना सॉवरन मानने की जगह इंडियंस को अपना सॉवरन मानना शुरू कर दीजिए। तो कहने को तो डू और डाई था, जिसमें हमें लगता है कि करो या मरो कि आप बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें बोली जा रही होंगी, बट ऐसा नहीं था। स्टिल देर वॉज सम कंसर्न कि ब्रिटिश जो सिस्टम है वो पूरे तरीके से एकदम कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए सोल्जर्स को नहीं बोला गया कि आप अपनी पोस्ट को छोड़ दीजिए। रादर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920-21 में हमने देखी, उसमें इस चीज़ को बोला गया था कि सोल्जर्स आर्मी यूनिट को छोड़ दें। क्लियर? तो 8 अगस्त 1942 से लेके हम जून 1945 तक क्विट इंडिया मूवमेंट को चलते हुए देखेंगे। नाइन्थ अगस्त को सारे मेजर लीडर्स जो थे कांग्रेस के उनको अरेस्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग गांधी जी। अब सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया तो जो मूवमेंट थी इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक, और लोग इस टाइम पे कहीं ना कहीं पे काफ़ी एंशियस थे। उनको लग रहा था कि हो सकता है जापान इंडिया के ऊपर कब्जा कर ले, और प्राइस राइज इतना ज़्यादा हो रहा था वर्ल्ड वॉर की वजह से कि लोगों की जो नॉर्मल ज़िंदगी थी वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्टेड थी। तो हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वायलेंस को इरप्ट होते हुए देखेंगे, हम पैरेलल गवर्नमेंट्स को आते हुए देखेंगे। हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं, तो उसको आप प्लीज़ कंसीडर कर लीजिएगा। हम अंडरग्राउंड एक्टिविटी को होते हुए देखेंगे, जैसे उषा मेहता जी ने ऑल इंडिया रेडियो को उस टाइम पे, नॉट ऑल इंडिया रेडियो सॉरी कांग्रेस रेडियो को उस टाइम पे चलाया था। तो हम बड़े लेवल पे वॉयलेंस होती हुई देखेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में मासिस के द्वारा। साथ ही साथ जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही रुथलेसली सप्रेस किया। उस टाइम पे मासिस को सप्रेस करने के लिए फाइटर जेट्स को यूज़ किया गया, ऊपर से बॉम्ब्स गिराए गए। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ था इंडिया में,
और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को ये इस चीज़ का पता था कि लोगों को इस टाइम पे कौन शांत करा सकता है, गांधी जी। जैसे हम पार्टीशन के टाइम पे देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन गांधी जी को क्या बोलते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स, कि एक इंसान था जो पूरी बाउंड्री फोर्स का काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को लगता है कि ये जो वायलेंस हो रही है इतनी ज़्यादा, अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया जा रहा है, गांधी जी अगर आह्वान करेंगे लोगों को तो वो शांत हो जाएंगे। तो गांधी जी को कहते हैं कि आप लोगों को मना लीजिए। 10 फरवरी को 1943 गांधी जी सिट्स ऑन अ फास्ट वायलेंस के अगेंस्ट, बट किसकी वायलेंस के अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स की वायलेंस के अगेंस्ट। ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप लोगों की वायलेंस को बंद करवाइए, गांधी जी ने कहा मैं 21 दिनों का फास्ट रखूंगा अगेंस्ट स्टेट वायलेंस। 3 मार्च को वो इस फास्ट को ब्रेक करते हैं। क्लियर? अब इसी टाइम पे 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग अडॉप्ट करती है पाकिस्तान डे। तो हम ये देख रहे हैं कि देश में जो कॉम्युनलिज्म है उसका इम्पैक्ट बढ़ता ही जा रहा है, उसकी जो सिचुएशन है वो डिजनरेट होती ही जा रही है। मुस्लिम लीग ने नारा अडॉप्ट किया, कांग्रेस तो कह रही थी क्विट इंडिया, मुस्लिम लीग कह रही थी डिवाइड एंड क्विट इंडिया। गांधी जी को फिर रिलीज कर दिया जाएगा 6 मई 1944। गांधी जी को बाकी कांग्रेस लीडर्स से थोड़ा पहले रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी कांग्रेस लीडर्स को हम शिमला कॉन्फ्रेंस के टाइम पे रिलीज होते हुए देखेंगे। ये जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो ये आपके इंटरेस्ट में भी नहीं है और इंडिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। तो 17 जुलाई को गांधी जी जिन्ना को लेटर लिखेंगे और 17 जुलाई को लेटर लिखा और उनकी मीटिंग होती है जिन्ना के साथ 19 सितंबर से लेके 1944 ही चल रहा है ये टू 24 सितंबर। बॉम्बे में इनकी मीटिंग होगी जिसमें जिन्ना तो ये चीज़ की डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान बनना ज़रूरी है। जिन्ना कहेगा कि मुस्लिम्स का और हिंदूज़ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ के प्रति वो दोनों का डिफरेंट है, हमारा रहन सहन डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, तो इंडिया के लिए भी यही चीज़ का बेनिफिट है और हमारे लिए भी इसी चीज़ का बेनिफिट रहेगा कि देश को डिवाइड कर दिया जाए। गांधी जी उस टाइम पे प्रपोज करते हैं राजा गोपालाचारी फार्मूला, CR फार्मूला जिसको हम बोलते हैं। गांधी जी ने जिन्ना के साथ नेगोशिएट तो करना था, तो CR फार्मूला के तहत उन्होंने नेगोशिएट किया जिन्ना के साथ। क्या था CR फार्मूला में? गांधी जी ने कहा देखो देयर इज नो स्पेस ओवर हियर टू स्टैंड प्रॉपरली, गांधी जी ने कहा देखो कि नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है और ये बंगाल वाला एरिया है, आप कह रहे हो कि हमें पाकिस्तान इन दो एरियाज को मिलके बनाना है और आपने तो अपनी तरफ से डायरेक्टली डिमांड कर दिया और बोल दिया कि पाकिस्तान बनेगा, यहाँ पे हमने पाकिस्तान डे भी सेलिब्रेट कर दिया। तो गांधी जी कहेंगे कि ठीक है हम ऐसे करते हैं इन दोनों एरियाज में प्लेबिसाइट करा देते हैं। हम इन दोनों एरियाज में प्लेबिसाइट करा लेते हैं, रेफरेंडम करा लेते हैं। और जिसमें यहाँ के हर इंसान चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है वो वोट करेगा और वो डिसाइड करेगा कि क्या बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहली चीज उन्होंने ये बोली जो CR फार्मूला के तहत ही हम आपको राइटअप में भी ये चीज प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम लीग इन द मेन टाइम कांग्रेस को सपोर्ट करेगी इंडिपेंडेंस के लिए और इंटरिम हमें गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट होंगे। ये चीज़ें तब लागू होंगी अगर ब्रिटेन हमें पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये एक सीधी सी बात थी कि ठीक है आप कहते हो पार्टीशन करना है, लेट पीपल डिसाइडेड, लेट सी द कि मासेस का क्या रिस्पॉन्स है इसकी तरफ,
आप भी इस चीज को मत डिसाइड कीजिए, मैं भी अपनी तरफ से नहीं कहता कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। जिन्ना इस चीज को लेके कहेगा कि प्लेबिसाइट ठीक है बट यहाँ पे जो इलेक्शंस होंगे उसमें सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करें, ओनली मुस्लिम्स शुड बी एबल टू डिसाइड कि वेदर दे वांट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री और नॉट। सिर्फ मुस्लिम्स, जिन्ना कहेगा सिर्फ मुस्लिम्स इस चीज को डिसाइड करेंगे। वो आगे चल के माउंटबेटन प्लान में हुआ था कि हिंदूज को भी अलाउ किया गया था वोट करने के लिए। क्लियर? तो ये गांधी जी का प्लान था। तो ये टॉक्स हम कहीं ना कहीं पे फेल होते हुए देखेंगे, गांधी जी का जो कोशिश थी पार्टीशन को रोकने के लिए वो कहीं ना कहीं पे फेल होते हुए देखेंगे। अल्टीमेटली जब पार्टीशन हुआ तो गांधी जी ने कहा कि, इनडायरेक्टली कहा उन्होंने इस चीज को, कि पार्टीशन सिर्फ जिन्ना की वजह से नहीं हुआ, पार्टीशन जब हुआ उसका रीज़न मेरे खुद के डिसाइपल्स भी थे जिनको मैंने एज ए लीडर क्रिएट किया, साथ साथ सबसे बड़ा उस चीज़ का रीज़न थे मासेस। अल्टीमेटली जो ग्राउंड लेवल पे लोग थे उन्होंने अपने दिल में पार्टीशन को लेकर अपना मन बना लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। अ लीडर इज एज लॉन्ग एज रेलिवेंट जब तक वो मासेस के मन की बात को बात बोलेगा। अगर मासेस के मन में कोई और बात है और लीडर कुछ और बोलेगा तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कर सकता। तभी जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को सॉबर वे में स्पिनिंग करते हुए पार्टीशन को वेलकम किया था, इन्हें डिस्टेस्ट 1945 जैसा ही याद करता है 1945। ब्लू प्रिंट ऑफ पार्टीशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो इस तरीके से गांधी जी का जो एफर्ट्स थी उनकी इन स्टॉपिंग द पार्टीशन वो कहीं ना कहीं पे फेल होती हुई दिखेंगी। फिर होती है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है टू डिस्कस अबाउट वेवल प्लान। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो वेवल थे, वाइस रॉय जिनको हम बोल सकते हैं, और ही केम अप विद वेवल प्लान जिसमें ये बोला गया कि इस टाइम पे हम इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं अभी, जिसमें जो आर्मी चीफ होगा और जो वाइसरॉय होगा वो ब्रिटिशर होगा, उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे। जिसमें से जो बाकी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 50% हिंदूज होंगे और 50% मुस्लिम होंगे। इस चीज को डिस्कस करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे। पर ये शिमला कॉन्फ्रेंस भी हम फेल होते हुए देखेंगे। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये जो मुस्लिम मेंबर्स हैं, लीग बोलेगी, मुस्लिम लीग बोलेगी कि सिर्फ मुस्लिम लीग को ही अथॉरिटी दी जानी चाहिए इन मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। कांग्रेस कहेगी कि ऐसे क्यों भाई, हम मुस्लिम्स के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम हिंदूज के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये वाले मुस्लिम मेंबर्स को हमारे पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए। वो चाहते थे कि मौलाना आज़ाद जी को, जो एजुकेशन मिनिस्टर बने हमारे आगे चल के, और साथ ही साथ खान अब्दुल गफार खान जी को नॉमिनेट किया जाए कांग्रेस की तरफ से। खान अब्दुल गफार खान जी को 1987 में हमने भारत रत्न भी दिया था। ही वॉज द फर्स्ट फॉरनर जिसको भारत रत्न दिया गया था। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे फिर हम जो एफर्ट्स थी कि आगे कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजी क्या होगी वो फेल होती हुई दिख रही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से कंसेंसस में नहीं आ रहे, ना ऑगस्ट ऑफर में आए, ना क्रिप्स मिशन में आए, ना ही वेवल प्लान में आते हैं। क्लियर? और जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी इसको कंडक्ट करने के लिए 14 जून 1945 को कांग्रेस के जो बाकी लीडर्स थे उनको भी रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी को तो पहले ही कर दिया था 14 जून को, बाकी लीडर्स को भी, वेदर बी इट जवाहरलाल नेहरू, बी इट सरदार पटेल, बी इट मौलाना आज़ाद, सबको रिहा कर दिया जाता है। यही डेट हम ऑफिशियली काउंट करते हैं अबाउट द एंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं याद आ रही, मैंने लिखी भी नहीं हुई, आई विल गेट बैक टू यू। मे बी इसी टाइम पे ही हुई थी 14 जून, एग्जैक्ट डेट आई एम नॉट वेरी श्योर, चेक इट आउट।
वैसे जो हमने आपको हैंडआउट्स दिए हैं उसमें है व्हाट्सएप पे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑफर आती है कैबिनेट मिशन प्लान के तौर पर। कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946, जिसमें तीन मेंबर्स होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा है एक बार आया हुआ। पैथिक लॉरेंस एक मेंबर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे। ये तीन मेंबर्स इस क्रिप्स कैबिनेट मिशन के साथ आते हैं, के रूप में आते हैं। कैबिनेट मिशन इसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ऑल दीज थ्री वर कैबिनेट मिनिस्टर्स इन ब्रिटेन। तो ये 24 मार्च को ये इंडिया आएंगे 1946 को, और ये प्रपोजल देंगे कुछ। इसमें प्रपोजल में ये स्टेट्स को ग्रुप्स में बांटने की बात करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो ग्रुप ए में जैसे था कि जो हिंदू डोमिनेटेड स्टेट्स हैं, ग्रुप बी में वोवली स्टेट्स जो मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं बट इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन, जैसे कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। और ग्रुप सी में वोवली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो कि नॉर्थ ईस्ट में हैं, जैसे कि असम एंड बंगाल। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो ग्रुपिंग की बात करी गई थी, कांग्रेस ने इसको कहा कि ग्रुपिंग इज नॉट कंपलसरी, एक बार ग्रुप फॉर्म हो गया तो हम उसे बाहर आ सकते हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि ग्रुपिंग इज कंपलसरी, और ग्रुपिंग का मतलब है पार्टीशन को आप कहीं ना कहीं पे लेजिटिमाइज कर रहे हो। क्लियर? तो इस टाइम पे दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसके बाद एक स्टेटमेंट आती है जवाहरलाल नेहरू जी की 7 जुलाई 1946 को, जिसमें वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ से बाध्य नहीं हैं, जब हमारी डोमिनियन स्टेटस हमें मिल जाएगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कमेटी बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी, तो हम कुछ भी अपनी तरफ से उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग लॉन्च करती है डायरेक्ट एक्शन। कब लॉन्च करती है? 16 अगस्त 1946। और इस टाइम पे जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका नाम था सुहरावादी, हुसैन शहीद सुहरावादी। और वो इस दिन अपनी पुलिस फोर्स को छुट्टी पे भेज देंगे कि जिसने जो करना है करो। और बहुत ही बुरे तरीके से उस टाइम पे हम राइट्स को होते हुए देखेंगे बंगाल वाले रीजन में। बंगाल में राइट्स इरप्ट हुए, उसका रिस्पॉन्स हमने इंडिया के बाकी रीजन्स में देखना शुरू किया। बंगाल में एक जगह थी जहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से हमने राइट्स को होते हुए देखा, जहाँ पे हिंदूस माइनॉरिटी में थे और मुस्लिम मासेस मेजॉरिटी में थी, और बहुत ही कत्लेआम हुआ, बहुत लेडीज़ को रेप किया गया, बहुत लोगों को धक्के से इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। तो हर जगह पे इस पर्टिकुलर नावखली के जो राइट्स थे उसको लेकर कंडेम किया जा रहा था। और जो बंगाल गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने ट्रूप्स भी नहीं भेजे थे उसको सप्रेस करने के लिए। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं 6 नवंबर को यहाँ पर खुद जाने के लिए। स्टार्टिंग में गांधी जी वहाँ पर जाके फास्ट करेंगे, लोगों को अपील करेंगे, मुस्लिम लीडर्स को अपील करेंगे कि राइट्स नहीं होने चाहिए, आप लोगों को इस तरीके से आर्म्स नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप मेजॉरिटी में हो। इसके प्रोटेस्ट में बंगाल की जगह बिहार में, यूपी में, पंजाब में मुस्लिम्स को भी टारगेट बनाया जा रहा है, तो ये दोनों कम्युनिटीज़ के लिए चीज़ गलत है। तो गांधी जी को इस टाइम पे पहले तो उनको ठीक रिस्पांस मिल रहा था लोगों का, लोग उनकी बातों को सुन रहे थे। लेटर ऑन मुस्लिम्स जो वहाँ के थे उन्होंने उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, और वो जहाँ भी जाते थे उस जगह पे हम ये बोल सकते हैं कि ओपन फीकल मैटर को घेर दिया जाता था, उसको यूरिन से भर दिया जाता था, फीकल मैटर से भर दिया जाता था कि अगर गांधी तुमने आना है तो इस चीज़ के ऊपर से चल कर आओ खुद। और गांधी जी उस चीज़ के ऊपर से चल के चले जाते थे, और कहीं ना कहीं पे ही वॉज एबल टू सबड्यू दोज राइट्स ऑल्सो। बट लेटर ऑन फिर वो बिहार की तरफ मूव कर जाएंगे राइट्स को, कि वहाँ पे भी मर्ज हो रहे थे। और फिर उन्होंने बाद में एक स्टेटमेंट दी थी कि नावखली में हिंदूज को के लिए सिर्फ एक ही मैं बात बोलना चाहूँगा, इधर पे रिलोकेट या तो वो यहाँ से चले जाएँ और दे पेरिश ओवर दे। तो काफ़ी बुरी सिचुएशन उस टाइम पर चल रही थी। पार्टीशन सिर्फ पार्टीशन नहीं हुआ था, उसके साथ जो राइट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम राइट्स वो काफ़ी डिस्ट्रेसिंग थे। क्लियर?
तो इस तरीके से आगे चल के हम एटलीस्ट स्टेटमेंट को आते हुए देखेंगे 20th फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली एक स्टेटमेंट देंगे। क्लीमेंट एटली कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिसमें वो कहते हैं कि हम इंडिया से विड्रॉ कर जाएंगे पर 30th जून 1948, और वो माउंटबेटन को नेक्स्ट वाइसरॉय के तौर पर भी अपॉइंट कर देंगे, वेवल को रिप्लेस कर देंगे। देन वेवल केम अप, देन लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में अराइव होंगे। ही विल कम टू इंडिया ऑन 22nd मार्च 1947। उससे पहले पहले हम लोग क्विट कर जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं इंडिया में 22 मार्च 1947 को, और वो आने के बाद पहले प्लान वेलकम देंगे, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी बोला जाता है, जिसको अपोज किया जाएगा, और उसके बाद फाइनली माउंटबेटन प्लान आएगा 3rd जून 1947, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 डिसाइड करा गया कि पावर को हम सौंप देंगे इंडियन हैंड्स में। साथ ही साथ डिसीजन कैसे लिया जाएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, सिंध का, बंगाल का, पंजाब का, उन सारी चीज़ों को भी डिसाइड किया गया। इफ़ यू वुड वांट तो हम आपको ये राइटअप में दे देंगे, वैसे वो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लासेस में कन्वर्ट होगा, कवर होगा उसमें, ठीक है। तो इसके परसुएंस में हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को आते हुए देखेंगे 1947 का। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी मिलेगी। 14th अगस्त 1947, देश में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके टेंपर्स काफ़ी अच्छे थे कि हमें आज़ादी मिल रही है कल के दिन। पर गांधी जी उस टाइम पे कलकत्ता चले जाएंगे, वह कलकत्ता में वो एक ऐसी लोकेलिटी में जाके रहना शुरू कर देंगे जहाँ जो काफ़ी ज़्यादा राइट से हिट थी, जहाँ पे काफ़ी कॉम्युनल टेंशन्स थी ऑलरेडी। और गांधी जी ने इंडिपेंडेंस का स्वागत कहीं ना कहीं पे हम ये बोल सकते हैं कि एक अकेले रहते हुए कंस्ट्रक्टिव वर्क को प्रमोट करते हुए, स्पिनिंग करते हुए ही इंडिपेंडेंस को वेलकम किया, बिकॉज वो इंडिपेंडेंस आई थी पार्टीशन के साथ। हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कई अचीवमेंट्स रही, हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था उसमें हम बोलते हैं कि हमारा देश एक्चुअली में उसका आइडिया डेवलप हुआ। इट वाज अ मूवमेंट जहाँ पे नेशन इन मेकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, बट एक उसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये था कि इंडिपेंडेंस फाइनली अचीव करी जाती है अलॉन्ग विद पार्टीशन। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंस होते हुए देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि गांधी जी वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि हमने देश का बंटवारा हुआ है, बट उन्होंने लोगों को कहा कि बंटवारा चाहे लकीर खींची जा रही है ज़मीन के ऊपर, बट अपने दिल में आप उस बंटवारे को एक्सेप्ट मत कीजिए। जो इसका फाउंडेशन प्रिंसिपल है कि हिंदूज और मुस्लिम्स अलग हैं, उसको आप अपने दिल में जगह मत दीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट देते हैं काफ़ी जो फेमस हुई थी, क्या था उस स्टेटमेंट में? सॉरी, नहीं, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी कहेंगे कि गांधी जी एक लाइट के तौर पर हमारे बीच में शाइन कर रहे थे, और द लाइट हैज नाउ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। ये काफ़ी फेमस स्टेटमेंट हुई थी कि गांधी जी एक इंसान नहीं थे, ही वॉज अ रे ऑफ होप, जो उतने टेंस माहौल में भी उन्होंने अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटे। जब जो मेजर लीडर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं पे कॉम्युनलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, गांधी जी ने अपने मन में उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने सत्याग्रह को ट्रुथ के साथ स्टार्ट किया और ट्रुथ के साथ ही ख़त्म किया। वो खुद ये चीज़ को बोला करते थे कि मेरा असली टेस्ट मेरे लास्ट मोमेंट के टाइम पे होगा, अगर मैं जब मुझे मारा जाएगा या जब मैं मरा, अगर मैंने उस टाइम पे भगवान का नाम लिया तो ये समझ लेना मैं ठीक इंसान था, और अगर उस टाइम पे मैंने डर दिखाया तो ये समझ लेना कि मेरी जो जर्नी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। वो जब मर रहे थे तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए भी अपने प्राणों को त्यागा था। तो ये एक ज़िंदगी थी महात्मा गांधी जी की,
जिसको कहीं ना कहीं पे हमारे कमीशन, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो जिंदा रखना चाहते हैं हमारे यूथ के मन में कि अदरवाइज तो हमारा यूथ तो इंटरेस्ट ले नहीं रहा कि सत्याग्रह का क्या मतलब है, अहिंसा का क्या मतलब है, शायद इसीलिए उनको इस चीज़ को लेकर पढ़ना पड़ जाए। बट एक्चुअली में हम जब बाकी दुनिया के लोग उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं तो हम भी हो सकते हैं शायद। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चंस। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें होना है या नहीं होना है, जिंदगी तो चलती रहेगी। अदरवाइज विल ट्राई टू कवर फ्यू क्वेश्चंस। तो महात्मा गांधी अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका, ये आंसर्स तो आपको दिए ही हुए हैं बट स्टिल हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे। गांधी जी अफ्रीका में पहुंचते हैं किस ईयर में पहुंचते हैं? 1893 इन अ स्टीमशिप कॉल्ड एसएस सफारी, डरबन वाले एरिया में वो पहुंचते हैं। क्लियर? हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन परसुएडिंग गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? सीए बेंडुस, हमने ऑलरेडी क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था। ही वॉज इज क्रिश्चियन मिशनरी फ्रेंड जो इनको कहीं ना कहीं पे इंदू आप प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो सी एफ एंड्रयूज को हम देखते हैं कि गांधी जी को उन्होंने परसुएड किया था कि आपका जो आगे का स्ट्रगल है वो इंडिया में ही होना चाहिए। गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इजी क्वेश्चन। गांधी जी के फादर का नाम क्या था? फादर का नाम मोहनदास था। उत्तर प्रदेश। सो उनके नाम के साथ उनके फादर का नाम लगता था, मोहनदास करमचंद गांधी। ये दोनों ही सेम ऑप्शंस हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू था, मैंने इसको बाद में रीड किया, ये टाइपिंग एरर आ गया था इसका। यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं आएगा वर्ड, ये तो स्क्रीन छोटी हो जा रही है रादर देन। यहाँ पे कास्ट सिस्टम वर्ड नहीं आएगा, तो आई विल नॉट यूज द पेन नाउ, आई विल जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग द पेन। तो हम ये देखेंगे कि गांधी जी के आइडियाज थे अबाउट जो गांधी जी को महान बनाते हैं, उनको फ्रीडम मूवमेंट में जो उनका पार्टिसिपेशन था वो ही महान नहीं बनाता, नेशन इन मेकिंग में उन्होंने कम्युनिटीज को जोड़ा वो महान नहीं बनाता, सिर्फ मास मूवमेंट उसको बना दिया वो महान नहीं बनाता। गांधी जी आज भी रेलिवेंट हैं अपने आइडियाज की वजह से, और उनके आइडियाज आज भी हम यूज कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स में। स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के ही आइडिया की एक रेप्लिकेशन है। रर्बन मिशन जिसमें हमने बोला है कि विलेज क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिसमें हम उनको अर्बन लाइक एम्यूनिटीज़ देंगे पर रूरल वे ऑफ लाइफ को हम जिंदा रखेंगे, वो गांधी जी की आइडियाज़ हम रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें उन्होंने विलेज सर्वोदय की बात करी थी, यहाँ तक कि जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो गांधी जी के ही आइडिया से इंस्पायर्ड है। तो इसमें गांधी जी का आइडिया था विलेज सर्वोदय का, जिसका क्या मतलब है? द कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। कास्ट सिस्टम को अबॉलिश नहीं वो कराना चाहते थे, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश कराना चाहते थे। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई थी। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप शुड बी बिल्ट बिसाइड ईच अदर टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहे थे कि जरूरी नहीं है कि मस्जिद और टेम्पल और गुरुद्वारा साहब को साथ में बनाया जाए, ऐसा वो नहीं बोलते थे। तो ये ऐसी चीज़ थी जो गांधी जी इम्प्लाई नहीं करते थे। इट शुड हैव अ धर्मशाला एंड अ स्मॉल डिस्पेंसरी, तो ये चीज़ वो जरूर कहते थे कि धर्मशाला होनी चाहिए और डिस्पेंसरी होनी चाहिए, मीन्स एम्यूनिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी सेल्फ सफिशियंट इन मैटर्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, आत्मनिर्भर भारत कहीं ना कहीं पे इसी आइडिया से ही प्रेरित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, फीनिक्स इंस्टीट्यूट किसने एस्टेब्लिश किया था अफ्रीकन कंट्री में?
ध्यान दीजिए, गांधी जी के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू थे अबाउट एजुकेशन, जिसको नई तालीम के रूप में भी हम देखते हैं। नई तालीम का आपको एक हम हैंडआउट दे देंगे भी उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही थी, पर जो गांधी जी के आइडियाज़ थे अबाउट एजुकेशन वो हम उसको ब्रॉडली अभी डिस्कस कर लेंगे। और ये आइडियाज़ गांधी जी के डेवलप होते हैं वाइल ही स्टे इन टॉलस्टॉय फार्म। यहाँ पे, हाँ, दिस इज बेटर। क्या आपके पास फोन में ये अवेलेबल है? आप अपने फोन में खोल लीजिए। ये कभी स्क्रीन रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है, और जब कर रही है तो बहुत काफी अच्छे से कर रही है। ठीक है, तो नाउ मे बी इट शुड वर्क। आई विल ट्राई टू यूज द वाइट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन ओनली। तो ठीक है, तो हमने ये देखा था कि टॉलस्टॉय फार्म गांधी जी ने कब एस्टेब्लिश किया था? नहीं, फीनिक्स फार्म उन्होंने 1904 में एस्टेब्लिश किया था। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। टॉलस्टॉय फार्म में रहते हुए गांधी जी के आइडियाज अबाउट एजुकेशन कहीं ना कहीं पर फॉर्म होते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि टीचिंग टेक्स्ट बुक से नहीं होनी चाहिए। टीचर को टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, बच्चा खुद भी उस चीज़ को पढ़ सकता है अगर वो साक्षर है, अगर उसको लिखना पढ़ना आता है। और वो ये कहते थे कि मेरी खुद की ज़िंदगी में जो मुझे टेक्स्ट बुक से पढ़ाया गया वो मुझे याद नहीं रहा, पर जो टीचर ने मुझे पढ़ाया उसकी पर्सनैलिटी से मैंने कुछ चीज़ों को जरूर सीखा। तो अल्टीमेटली फॉर अ स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ अ टीचर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टेक्स्ट बुक इट्सेल्फ। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मेरे साथ में वो चीज़ को पूरे तरीके से कॉरोबरेट करता हूं कि स्कूल टाइम पे जो मेरे टीचर्स थे मुझे नहीं याद उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया, बट कुछ कुछ टीचर्स का इम्प्रिंट मेरे माइंड पे रह गया। वो शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कुछ कुछ टीचर्स थे जिनका इम्प्रिंट आपकी लाइफ में रह जाता है। और गांधी जी के जो एजुकेशनल आइडियाज़ थे उसमें उन्होंने फिजिकल लेबर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहें, हमें अपनी बॉडी को भी यूज़ करना चाहिए डेली। जिस दिन आपने फिजिकल लेबर नहीं करी उस दिन आप खाना मत खाइए। वो इस स्टेटमेंट को काफ़ी रिलीजियसली खुद भी फॉलो किया करते थे। तो लर्निंग शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू बिकम फिजिकली एक्टिव एज वेल। तभी हम क्लास में कई बार हमने डिस्कस किया है कि ये जो आपका टाइम पीरियड है तैयारी का, इसमें आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज को भी ज़रूर देने चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, चिल्ड्रन शुड हैव फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन मॉडल्स ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है, असली नॉलेज वही है जो आपको सिखाए इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। दुनिया में क्या चल रहा है आप उसको कैटेगराइज कर पाओ कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारी मॉडर्न एजुकेशन हमें इस चीज़ को दिखा पा रही है या नहीं दिखा पा रही है। क्या हम सिर्फ कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का? अगर हमें नहीं पता तो शायद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ के प्रति डेवलप नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू गांधी जी? टीचर हु यूज टेक्स्ट बुक डज नॉट इम्पार्ट ओरिजिनैलिटी। बिल्कुल वही बात कि टेक्स्ट बुक। माई वॉइस इज क्रैकिंग, ओके, आई विल स्विच इट ऑफ एंड आई विल देन स्विच इट ऑन। इज दिस फाइन नाउ? थैंक यू। तो वही बात कि टीचर टेक्स्ट बुक्स के तौर पर पढ़ा रहे हैं, वो गांधी जी कहीं ना कहीं उस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। टीचर की पर्सनैलिटी ज़्यादा प्रभाव डालती है स्टूडेंट के ऊपर। वो उन टीचर को पढ़ाना चाहिए अपनी खुद की रियलाइजेशन के बेसिस पे। टेक्स्ट बुक्स इफ यूज्ड एज अ व्हीकल ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड वैल्यू टू टीचिंग? नो। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट ओनली, आंसर इज बी। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस गांधी जी के ऊपर क्या थे? गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 18th सेंचुरी प्रणामी सेक्ट दैट एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ फेथ्स। गांधी जी की मदर का क्या नाम था? पुतलीबाई। अच्छा, आपकी नॉलेज वो लगे रहो मुन्ना भाई जैसी नहीं है जिसमें उसको सब कुछ आता था, बस गांधी जी की माँ का नाम नहीं आता क्योंकि हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया, हमने उनके सिर्फ फादर का नाम ही डिस्कस किया था।
यस हाँ जी बच्चे ओके सो पुतली बाई उनकी मदर का नाम था. पुतली बाई प्रणामी सेक्ट से बिलोंग करती थी. प्रणामी सेक्ट गुजरात रीजन में एक सेक्ट काफ़ी उस टाइम पे प्रचलित था जिसका मेजर गोल क्या था. जो भी मेजर रिलीजन्स हैं बी इट इस्लाम बी इट हिंदुइज्म बी इट जैनिज्म उन सब रिलीजन्स की जो अच्छी टीचिंग्स हैं उनको मिलाकर फॉलो किया जाए. तो ये प्रणामी टेक्स्ट था. शायद यही एक इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से गांधी जी ने आगे चल के सारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाई करी खुद. चाहे वो थियोसॉफिस थे चाहे वो क्रिश्चियनिटी थी चाहे वो कुरान था चाहे वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी थे. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है. गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थियोसॉफिस्ट्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. हमने देखा था कि उनका जो लंडन वाला पीरियड था उस टाइम पे ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद मैडम ब्लावेत्स्की. हमने इस चीज को पढ़ा था. ही ऑल्सो केम इन टू कॉन्टैक्ट विद एनी बेसेंट. गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमेंटिक्स लाइक वर्ड्सवर्थ. ये स्टेटमेंट गलत है. रोमेंटिक एक मूवमेंट इमर्ज हुई थी अगेंस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म. इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ब्रिटेन में सबसे पहले आया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है. फैक्ट्री सिस्टम इमर्ज हुआ. जगह जगह पे फैक्ट्रीज लगाई गई जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हमने चाइल्ड लेबर को आते हुए देखा. तो उसके रिस्पॉन्स में कई आइडियोलॉजीज आई थी जिसमें से एक आइडियोलॉजी थी रोमेंटिक आइडियोलॉजी जिसमें वो लोग कहीं ना कहीं पे इस चीज़ के बारे में बात करते थे कि हम इमोशंस को अपनी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दें. इमोशंस सच एज हॉरर इमोशंस सच एज एंगर हमारा रिस्पॉन्स ये होना चाहिए. बट गांधी जी इन्फ्लुएंस थे भगवत गीता के आइडिया से तो वो रोमांटिक आइडिया से इन्वॉल्व नहीं थे. ये तो इजी क्वेश्चन है. मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा जो मुझे लगता है कि आप लोगों को आते हैं और जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. ये बताइए चंपारण सत्याग्रह का कब स्टार्ट हुआ था. हमने क्लास में डिस्कस किया था और डेट क्या थी. 19 अप्रैल. वेरी गुड. 19 अप्रैल 1917. चंपारण सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी जी. बिल्कुल ठीक है. इट वॉज अ फार्मर्स मूवमेंट. इट वॉज ऑल्सो अ फार्मर्स मूवमेंट. अभी एक हमें देखेंगे कि एक कस्टम ऑफिस की मूवमेंट जो लास्ट फर्स्ट क्लास में मे बी एक स्टूडेंट ने पूछा था तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आज पढ़ लेंगे. चंपारण सत्याग्रह में कौन गांधी जी के साथ नहीं थे. अनुराग नारायण सिन्हा जी थे. गोविंद वल्लभ पंत नहीं थे. इसके अलावा मजहार उल हक भी थे. मैंने आपको कुछ नाम बताए थे. अब ये दो नाम और ऐड कर लीजिएगा. एन सिन्हा एंड मजहार उल हक. जी बी पंत नहीं थे. लिखा भी होगा यहाँ पे मजहार उल हक. आपको ये हैंडआउट्स मिल ही गए हैं ऑलरेडी. सेकंड सत्याग्रह. हाँ जी बच्चे. सर ये पीडीएफ हमें भी मिलेगी. बिल्कुल मिलेगी. ओके सर. सेकंड सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक. थर्ड कौन सा था. खेड़ा सत्याग्रह. तीन काठिया सिस्टम क्या था. 320 पे था. सिर्फ चंपारण में था बाकी खेड़ा में नहीं था. वो जो 320 आपका लैंड का पोर्शन है दैट इज 15% लैंड आपको वहाँ पे मैंडेटरीली इंडिको की कल्टीवेशन करनी पड़ेगी. जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अपने 15% आपका जो दिन का टाइम है उसमें आपको HAS या NT के लिए नहीं पढ़ना है वो आप इंस्टीट्यूट के लिए कुछ काम करोगे. तो इस तरीके से आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने प्रोडक्टिव जो टोटल पोर्शन है उसको कहीं ना कहीं पर आपको छोड़ना पड़ेगा. गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर किसने कहा था. विंस्टन चर्चिल ने. कब कहा था. आरटीसी के टाइम पे सर. आरटीसी से पहले डांडी मार्च के दौरान बोला था विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर. ये क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स हैं हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो प्लीज गो थ्रू दैट. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. जो गांधी जी ने बेलगाम सेशन को सर 1924 में उन्होंने बेलगाम सेशन में प्रेसाइड किया. बिल्कुल एक ही सेशन था जिसमें 1924 में. वेरी गुड. 1924 में एक ही सेशन था जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के जिसमें उन्होंने स्वराजिस्ट और नो चेंजेस के बीच में कॉम्प्रोमाइज को एंडोर्स किया था.
ईएम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती में लिखी गई थी। बाद में इसको महादेव देसाई जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन बताइए, पहले बायोग्राफर कौन थे महात्मा गांधी जी के? जोसेफ डोक। जोसेफ डोक बेसिकली गांधी जी को मिले थे साउथ अफ्रीका में, और ही वॉज ए क्रिश्चियन मिशनरी, और वो गांधी जी को मिलके काफ़ी प्रभावित थे उनकी पर्सनैलिटी से। उनको लगा कि ही इज़ अ ग्रेट सोल, महात्मा। महात्मा गांधी जी को टाइटल कब मिला था? कब मिला था सर? सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको फादर ऑफ द नेशन कहा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी रिमेंबर दिस पॉइंट। जब ये सारा हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर INA फॉर्म हुआ था, और INA की बागडोर किसने संभाली थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। गुड। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बार रेडियो पे 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को संबोधित किया था एज फादर ऑफ द नेशन। देखिए, इन लोगों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, इन लोगों में सोच का डिफरेंस था, पर इन लोगों को इस चीज़ को लेके कोई भी मतभेद नहीं था कि सामने वाले की इंटेंशंस गलत हैं। चाहे प्रतापी सीतारमैया के इलेक्शंस के टाइम पे गांधी जी ने कहा कि ये मेरी बड़ी डिफीट है, ये प्रतापी सीतारमैया की डिफीट नहीं है, बट इन लोगों में आपस में कोई ऐसी खटास नहीं थी, सिर्फ एक देखने का नज़रिया अलग अलग था। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि बच्चे आपको प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको कि नहीं सर मुझे तो बुक को ज़्यादा रीड करना है, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव्स दोनों का सेम ही था। तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के तौर से संबोधित किया था। हाँ जी, आई हैव टू चेक दैट। महात्मा बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1915 में, जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को उस टाइम पे जे डोक के संपर्क में आए थे, जे डोक गांधी जी के संपर्क में आए थे, और 1907 में उन्होंने गांधी जी की लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, और वो एक पहली बायोग्राफी के तौर पर हम उसको देख सकते हैं, जिसका नाम था M.K. गांधी एन इंडियन पेट्रॉइट इन साउथ अफ्रीका। तो 1907, गांधी जी उस टाइम पे हार्डली 38-39 ईयर्स के थे, उनको भी महात्मा के तौर पर भी रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था उस टाइम पे ही। उनके बारे में हम ये देख रहे थे कि उनकी बायोग्राफीज लिखी जा रही थी और लोगों के द्वारा। सर, हाँ जी सर, ये जो 20th क्वेश्चन आपने बताया, ये बुक उन्होंने 1907 में लिखी है? हाँ जी। ओके सर। 1907 में लिखी थी, और इंडिया में इसकी पब्लिकेशन पहली बार आई थी 1919 में। थैंक यू। हिंद स्वराज बुक के बारे में बात कर रहे हैं। हिंद स्वराज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सत्याग्रह हम को भी पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह। ब्रह्मदत्त थर्ड थे, आपने सही बताया, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड थे ब्रह्मदत्त। ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, डजंट रिक्वायर एनी, ये भी कर लिया है। ये सत्याग्रह के बारे में है, सोल फोर्स इज बेटर देन ब्रूट फोर्स। देखो, ब्रूट फोर्स से भी हम रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, हम वायलेंस के तौर को यूज़ करके भी रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, बट सोल फोर्स इज बेटर। क्यों बेटर है? क्योंकि सोल फोर्स को यूज़ करके जो हम रिजल्ट अचीव करेंगे, उसके बाद डिफरेंट ग्रुप्स में एनिमिटी नहीं रहेगी। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम सफरिंग के थ्रू गुजर के सामने वाले के दिल को चेंज कर देंगे और हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग लास्टिंग रेजोल्यूशन होगा। अगर हम हथियार के बेसिस पे उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ये सत्याग्रह था। सत्याग्रह गांधी जी ने किससे सीखा था? अपनी वाइफ से, कस्तूरबा गांधी से। गांधी जी ने कहा कि पहले मेरी और मेरी वाइफ की काफ़ी झगड़े हुआ करते थे, मैं अपनी वाइफ को अपनी स्टूडेंट के रूप में देखता था, और ये देखता था कि मैं उसका टीचर हूँ, मैं उसको सिखाने की कोशिश करता रहता था, और इस वजह से हमारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। और कस्तूरबा एक ऐसी लेडी थी जिसकी अपनी सोच थी चीज़ों को लेके, बट कस्तूरबा ने बहुत साइलेंटली मेरे उन गुस्से को के साथ बियर किया, और इस चीज़ को इस चीज़ तक पहुँची कि मेरे दिल में परिवर्तन हो। तो अल्टीमेटली काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए थे वो लोग, उन्होंने दोनों ने ब्रह्मचार्य को अडॉप्ट कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि सत्याग्रह मैंने
अपने पर्सनल जीवन में अपनी वाइफ के साथ रहते हुए सीखा था। हिंद स्वराज में गांधी जी ने एक वर्ड यूज किया था जिसको उन्होंने बाद में चेंज किया, वो क्या वर्ड था? प्रोस्टिट्यूट। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए एक वर्ड यूज किया था प्रोस्टिट्यूट, तो उन्होंने बाद में कहा कि आई विल टेक दैट वर्ड बैक। गांधी जी की लाइफ में ये इस चीज़ के बारे में हम कई चरणों पर देखेंगे कि उन्होंने अपनी सोच को बाद में चेंज भी किया, उन्होंने ओवर द टाइम अपनी सोच का एक्सेप्ट किया कि मैं उस टाइम पे गलत था या मैं अब उस सोच के साथ सहमत नहीं हूँ, बिकॉज ही वॉज ए कॉन्टिन्यूस लर्नर, वो हमेशा सीखते रहते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा इवॉल्व करते रहते थे। तो जब SDM वगैरह बन जाओगे तो अपनी गलती कभी मानने से नहीं पीछे हटना है। डू और डाई स्टेटमेंट, गांधी जी रिटर्न कब होते हैं? 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज ग्रीड, गांधी जी। किसने इंडिया को बैंकक्रप्ट बनाया है? रेलवेज, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सभी ने बनाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये सिविलाइजेशन ही गलत है। जो यूरोपियन कैपिटलिज्म की जो सिविलाइजेशन इंडिया में हम लेकर आ रहे हैं, इसमें इनहेरेंटली फॉल्ट है, इसमें हम प्रॉफिट को फोकस में रख के हर एक काम को परस्यू कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। राम राज्य असली में हमारा फोकस होना चाहिए। और अभी हमारा चल रहा है अमृतकाल 25 सालों के लिए, 2047 तक, तो 2047 तक हमारा ऑब्जेक्टिव, कई न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा हूँ कि राम राज्य ही होना चाहिए। पहली बार, हाँ जी, 32nd क्वेश्चन में ये फर्स्ट वेपन ऑफ अंडर्स, आई गेस 32nd क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन, 32nd, हाँ जी, आई गेस, हाँ जी, लास्ट वेपन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, फर्स्ट वेपन होना चाहिए। हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने कहाँ पे सबसे पहले यूज़ करी थी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, वर्कर्स का, क्योंकि जो डिसिप्लिन था वो ढीला पड़ता हुआ दिख रहा था, तो उनको मोटिवेट करने के लिए उन्होंने किया था। आप लोग तो नहीं चाहते ना कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही तो टीचर्स हंगर स्ट्राइक करें कि जब तक बच्चे 10 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, किसी के मन में है ऐसा कुछ? थैंक यू। हाँ, ये क्वेश्चन मैं फिर से डिस्कस करना चाहता, किस इवेंट में गांधी जी ने कहा कि इंडिया में सत्याग्रह का एडवेंट हो गया है, सत्याग्रह आ गया है? ये एक स्टूडेंट, इसका सी ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है बी, वीरमग्राम कस्टम ऑफिस 1915 गुजरात। क्या था इस मूवमेंट में, वैसे मैंने बताया था ऑलरेडी बट मैं रिपीट कर दूंगा, सर वो इंडियन कस्टम्स का जो रूल्स थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे, तो उन्होंने वो सारे रिवर्स कर दिए थे पोस्ट ऑफिस के जो भी रूल्स थे। ओके, पोस्ट ऑफिस नहीं था, ओके, कस्टम्स, कस्टम ऑफिस, ठीक है। जब गांधी जी इंडिया आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा था कि आप इंडियन वे ऑफ लाइफ को समझो, आप इंडिया में पहले एक साल कोई भी चीज़ में आपने पार्टिसिपेशन मत करो। और साथ ही साथ जो उस टाइम पे वाइस रॉय थे उन्होंने भी गांधी जी को कहा कि अगर आपको किसी चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कुछ सत्याग्रह लॉन्च करने से पहले मुझे एक बार आकर मिल लीजिएगा। तो उस टाइम पे गांधी जी ने इंडिया को समझने के लिए रेलवे में ट्रैवल करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं थर्ड क्लास रेलवे में ही ट्रैवल करूँ। क्योंकि मुझे कॉमन इंडियन के तरीके में ही रहना है, जैसे कॉमन इंडियन की लाइफ है उसी को ही जीना है और तभी मैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाऊंगा। शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए, अगर हमें SDM की जॉब मिलती है, IAS की जॉब मिलती है आगे चल के, शायद हमें भी उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, शायद हमें भी अपने बच्चों को आगे चल के गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाना चाहिए, हमें भी पब्लिक हॉस्पिटल्स में ही अपना इलाज कराना चाहिए ताकि हम कॉमन इंसान की लाइफ के साथ अपने आप को जोड़कर चल सकें। तो गांधी जी ने इस चीज़ को उस टाइम पे किया था, तो उन्होंने थर्ड क्लास रेलवे में ट्रैवल करना शुरू किया। और थर्ड क्लास रेलवे में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बुरी हालत होती थी इंडियंस की, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, रेलवे अथॉरिटीज़ थी, वो इंडियंस को कहते थे एज शीप ट्रीट करते थे कि कहीं पे भी मार के बिठा दिया, कहीं से भी उतार दिया। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पे। एक टेलर जिसका नाम था मोतीलाल, वो गांधी जी को अप्रोच करता है कि आप इस चीज़ के लिए कुछ कीजिए। और क्योंकि उस टाइम पे हम ये देखते थे कम्युनिकेबल डिसीजेस काफ़ी ज़्यादा फैला करती थी, जैसे अभी कोविड आया, इससे पहले तो हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का जो बर्डन था वो ज़्यादा था, अभी भी उन्हीं का ही ज़्यादा है। अगर हम टोटल डेथ की बात करें तो देश में आज भी
60% डेथ्स जो हो रही हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रांजिशन, साइंटिफिक टर्म जो यूसेपस में कई बार हम यूज होते हुए देखते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस आस्पेक्ट, तो उस टाइम पे कम्युनिकेबल डिसीजेस काफ़ी फैली हुई थी। तो रेलवे में अगर किसी को फीवर है तो उसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था कि तुम्हें फीवर है, तुम्हें हम अलाउ नहीं करते बैठने के लिए, हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से जो ट्रीटमेंट था काफ़ी बुरा था। इस चीज़ के अगेंस्ट गांधी जी ने जाके वाइसराय से बात करी, जिनका नाम था चेम्सफोर्ड। और उनके इंस्टेंस पे चेम्सफोर्ड ने वो जो हार्श बिहेवियर था अथॉरिटीज़ का, उसको वापस लेने की के लिए कदम उठाए थे, जिसमें गांधी जी ने कहा कि ये एडवेंट ऑफ सत्याग्रह है इंडिया में। देखो इसमें इसको मूवमेंट नहीं बोल रहे हैं, पहली सत्याग्रह मूवमेंट कौन सी है? चंपारण। ये कोई मूवमेंट नहीं थी, बस ये एडवेंट था सत्याग्रह का इंडिया में। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं जिसको टच नहीं करूंगा, वाइन वुमेन एंड वीट, मीट नॉट वीट, सॉरी वेदिक गांधी जी। हाँ ये भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कई बच्चों को इसको पढ़ के डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ इसमें से हम जो चीज़ें हैं वो YouTube पे भी अवेलेबल करवा दें ये Q&A को। तो गांधी जी, वेदिक गांधी जी नीड अ लेडी हु हेल्प हिम गेट रिड ऑफ अनट्रुथ। क्या उन्होंने झूठ बोला था कुछ? जब वो लंदन पढ़ने गए थे 1888 में, उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक ऑलरेडी सन भी था, तो लंदन में उन्होंने ये देखा था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर मैरिड हैं, बट वो वहाँ पर जाके नहीं बताया करते थे कि हमारी शादी हो चुकी है। वो कहते कि इसके दो रीजन्स थे, पहला तो वो फ्लर्ट नहीं कर पाएंगे लड़कियों के साथ अगर उन्होंने बता दिया, और दूसरा रीज़न ये था कि ब्रिटेन में एजुकेटेड एजुकेशन की जो लाइफ है उसको अलग मायने में देखा जाता है इन कंपैरिजन टू जो एक गृहस्थ की जीवन है। इंडिया में भी हम इस चीज़ को पहले फॉलो किया करते थे कि ब्रह्मचार्य आश्रम होगा फिर गृहस्थ आश्रम होगा, बट ओवर द टाइम हमने चाइल्ड मैरिजेस को होते हुए देखा था। तो गांधी जी इस चीज़ को लेकर काफ़ी अशेम्ड थे कि मेरी 13 साल में शादी कर दी और मैं 1888 में जब मैं पढ़ने गया तो मेरा बच्चा भी हो चुका है, वहाँ पर जाके मैं क्या लोगों को बताऊंगा। तो उन्होंने इस चीज़ को बताया नहीं किसी को, तो उनको एक विडो मिली, उनका उन्होंने नाम नहीं बताया उस विडो का, तभी ये सिर्फ यही टर्म लिखी हुई है अ लेडी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में उस विडो का नाम नहीं बताया गया। वो विडो उनको मिलती है ब्रिक्टन एरिया में लंदन में, तो वो विडो उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करती है, एज ए सन उनको ट्रीट करती है, और उनको अलग अलग लड़कियों से मिलाना शुरू करती है कि ठीक है आप इनके साथ मिलिए, आप इनसे घुल मिल जाइए, बात करिए। तो ऐसे एक रिलेशन स्ट्रांग हो रहा होता है, फिर गांधी जी को एकदम से लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने नहीं बताया हुआ कि मेरी शादी हो चुकी है। तो इस लेडी को जाके कन्फेस करेंगे कि मैम आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई ऑलरेडी हैव अ सन एंड आई एम वेरी सॉरी कि मैंने आपको ऑलरेडी नहीं बताई ये चीज़। तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, शी टेक्स दैट इन, पहले ऐसे लीडर के तौर पर मैं देख रहा हूँ जो लोगों के लिए आवाज़ तो उठा रहे हैं पर लोगों की तरह बनकर उठा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि अपने आप में और लोगों के बीच में डिस्टेंस रख रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल लाइफ को जी रहे हैं, आश्रम लाइफ वो ऑलरेडी जी रहे थे और लोगों के बीच में रह गए, जैसे हमने थर्ड क्लास ट्रैवल करते हुए उनको देखा। सॉरी 1915। टैगोर सरनेम वैसे एक्चुअली में ठाकुर है, ठाकुर का ही एंजलाइज वर्जन है टैगोर उनका, अभी भी बंगाल में उनको लोग ठाकुरदा ही बोलते हैं। स्पिरिचुअल गुरु हमने पढ़ लिया है श्रीमद राजचंद्र जो जैन फिलोसोफर थे, गांधी जी को 30 जनवरी को नाथुराम विनायक घोटसे ने असैसिनेट किया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि लाइट हैज़ गॉन आउट नाउ। पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने किसको बोला था? ऑगस्ट ऑफर मत लिखना, ऑगस्ट ऑफर को जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था नीलवली बार, क्रिप्स मिशन के लिए गांधी जी ने यह टर्म यूज़ करी थी। हिंस राज आई थी 1909 में, बाबा आमटे को अभय साधक टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने, क्यों दिया था? बाबा आमटे गांधी जी के एसोसिएट थे महाराष्ट्र वाले रीजन में, बाबा आमटे ने एक बार एक लड़की को बचाया था ब्रिटिश
मिलिट्री ऑफिशियल्स के हरासमेंट से, और काफ़ी उन्होंने वेलियंटली उसको उसके सामने खड़े हो गए थे कि इसको कोई भी मैं हार्म नहीं होने दूंगा, तो इसलिए गांधी जी ने उनको अभय साधक का टाइटल दिया था बाबा आम्बेडकर जी को। थर्ड सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह रियल नेम उनका, क्योंकि वो पहले गुजराती में लिखी गई थी तो उसका नाम था सत्यना प्रयोग। तो एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे, ये मैं सीख रहा हूँ उन एक्सपेरिमेंट्स को करके, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ज़िंदगी को किस तरीके से जिया जाता है, पर मैं उसको सीखने के लिए ज़रूर तैयार हूँ, बिकॉज ही वॉज़ अ लर्नर। फीनिक्स आश्रम में जब वो रहते थे उन्होंने भगवद्गीता पढ़नी शुरू करी, तो उनको लगा कि मुझे उनके वर्सेस को भी याद करना है। टाइम तो होता नहीं था उनके लिए, उनके पास इस चीज़ को करने के लिए। हमें भी लगता है कि हमारे पास टाइम तो है नहीं, एचएस के लिए भी पढ़ना है, एनटी के लिए भी पढ़ना है, यूपीएससी का तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे। एक्सरसाइज की बात बोल रहे हैं, टीचर्स की एक्सरसाइज भी करनी है, हमारे पास टाइम नहीं रहता, और आज बोल रहे हैं कि भगवद्गीता भी पढ़ लो। तो गांधी जी के लिए के साथ भी ऐसा ही था, तो उन्होंने ब्रश करते हुए भगवद्गीता के पहले 9 अध्याय के सारे वर्सेस याद कर लिए, सिर्फ ब्रश करते हुए उसको वो देखते रहते थे और याद करते रहते थे। उनको लगा कि मेरी मेमोरी भी इससे स्ट्रांग होगी और मेरी संस्कृत भी इससे अच्छी होगी। ठीक है, हम भी इफेक्ट्स को याद कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है इफेक्ट्स को याद करना। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई जी ने। सत्याग्रह सभा हमने देखा था गांधी जी ने फॉर्म करी थी इन रिस्पॉन्स टू रॉलेट एक्ट। रियल नेम ऑफ मीराबेन मेडलिन स्लेट, गांधी जी की एसोसिएट थी। शी वॉज ए ब्रिटिश ब्रिटन लेडी जो कि गांधी जी की फिलॉसफी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी और गांधी जी को अपने गुरु के रूप में देखती थी, और उन्होंने आके चरखा को अडॉप्ट किया, गांधी वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट किया था। इंग्लिश थी आई सपोज, आयरिश तो एनी वेसेंट थे, एज फार एज आई नो शी वॉज ए इंग्लिश लेडी ओनली। दांडी मार्च को लेजेंडरी मार्च के साथ कंपेयर किया था मोतीलाल नेहरू जी ने, कि वो जैसे भगवान राम ने श्रीलंका में प्रस्थान किया था सीता माता को छुड़ाने के लिए, वैसे ही दांडी मार्च को उन्होंने उससे कंपेयर किया था। मोतीलाल नेहरू इनिशियली गांधी जी से बिल्कुल खुश नहीं थे, उनको लगा कि मैंने अपने बेटे को लंदन भेजा पढ़ने के लिए और वो गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उसने वही जो इंग्लिश वे ऑफ लाइफ है उसको छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया, टोपी पहननी शुरू कर दी, विलेजेस में जाके रहना शुरू कर दिया, तो ही वॉज नॉट हैप्पी विद गांधी जी। गांधी जी को कंप्लेंट करने गए तो गांधी जी ने कहा कि मैंने सिर्फ तुम्हारे बेटे को अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें भी बनाऊंगा, तुम्हारी वाइफ को भी बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया भी। फ्रंटियर गांधी खान, अब्दुल गफार खान, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको एज इट इज़ याद करने हैं, और इनके ऊपर आप फर्दर सर्च भी कर सकते हो कि क्या क्या था इनका। बिहार गांधी राजेंद्र प्रसाद जी को बोलते थे, मॉडर्न गांधी बाबा आमटे को बोलते थे, जिनको अभय साधक का भी टाइटल गांधी जी ने दिया था। श्रीलंकन गांधी, ये इनके ऊपर अगर आप फर्दर रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। श्रीलंकन गांधी थे एटी अरिया रत्ने। अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग। बर्मीज गांधी ऑन सैन सूची। अफ्रीकन गांधी कैनेथ कोंडा। साउथ अफ्रीकन गांधी नेल्सन मंडेला। कीनिया गांधी जॉन जोमो केन्या। राहुल गांधी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। बस देखो इस चीज़ से हमें किस चीज़ को समझना है, ये लोग बहुत अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत अचीव किया, इन लोगों ने इन्होंने गांधी जी की लाइफ से कुछ सीखने की कोशिश करी। इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज गांधी, इट इज़ वेरी इजी टू से कि जो वो बातें बोलते थे वो इम्प्रैक्टिकल थी, बट अगर आप सीखने की इच्छा से इनके लाइफ को स्टडी करोगे तो इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ एज वेल। इंडोनेशियन गांधी अहमद सुकरानो, ये बुक किसने लिखी, महात्मा गांधी, इस टाइप के भी फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको हमें एज इट इज़ याद करने की कोशिश करनी है। एक बुक थी गांधी और नॉन वायलेंस, थॉमस मर्टन ने लिखी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इज रिटन बाय लुइस फिशर। ये बुक किसने लिखी, ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जोसेफ लेवलेड लेलवेड। सो दीज आर ऑल वेरी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इनको आप खुद ही गो थ्रू कर सकते हो। एक लास्ट हम डॉक्टर पीजे मेहता जी के साथ बात करेंगे। डॉक्टर पीजे मेहता जी कौन थे, गांधी जी के फ्रेंड थे, जो कि लंदन में रहते थे। गांधी जी को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था टू अडॉप्ट इंग्लिश वे ऑफ लाइफ। गांधी जी उस ड्रीम से तो 2-3 महीने में उठ गए, उसके बाद पीजे मेहता जी को अपने जैसा बना दिया था। तो बाद में हमने ये देखा कि जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया उसमें पीजे मेहता जी ने
कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, वो इंग्लिश वे ऑफ लाइफ सिखा रहे थे और इन्होंने इंडियन वे ऑफ लाइफ के लिए उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन लिया था। और बीजे मेहता जी ने ही इस टर्म को भी यूज़ किया था कि ऐसा विरले ही होता है कि गांधी जैसी आत्मा कभी धरती पर जन्म लेती है। तो ये काफ़ी बोल सकते हैं कि फैक्चुअल से क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ इशू होगा इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, पर आप इनसे जरूर गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि एनटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बट इनका सारा जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है वो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मे बी वी कैन कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, सक्सेसफुल ही हो, सक्सेस को प्राप्त कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जितना टाइम है इसने पे आप लोगों के पास, अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके 10-12 घंटे डेली के डिसिप्लिन के साथ देख सकते हो तो सक्सेस इज वेरी मच अचीवेबल। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।